पूज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया में अभी कुछ सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है इंडियंस के लिए। तो कुछ जॉब्स है इन फूड डिलीवरी बॉयज, मतलब जैसा कि आप इंडिया में जोमाटो है, स्विगी है, जो आप फ्रीलांसिंग में आप ऑन कमीशन बेसिस में आप काम करते हो, फूड डिलीवरी करते हो, बाइक में आप फूड डिलीवरी करते हो और आपको हाई कमीशन मिलता है, वैसे ही आर्मेनिया में कुछ कंपनीज है जो फूड डिलीवरी बॉयज रिक्रूट करते हैं। तो यनडेक्स कंपनी है, यनडेक्स एक रशियन कंपनी है जो यनडेक्स फूड डिलीवरी कंपनी है इन आर्मेनिया। तो आर्मेनियन कंपनी, तो ये फूड डिलीवरी अलग अलग रेस्टोरेंट से फूड लेके जाना है, वहाँ पर घर डोर टू डोर, घर टू घर, ऑफिसेस टू ऑफिसेस एंड डोर टू डोर, अलग अलग जो अपार्टमेंट्स में जाकर अपार्टमेंट में आपको फूड डिलीवरी करना है। तो इसके लिए कमीशन वो लोग कमीशन पे करते हैं, डिपेंड करता है आपका बिल के ऊपर, कितना बिल है उसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर पे करते हैं। तो मिनिमम $1 से स्टार्ट होता है, $1 से लेकर $10, $20 पर डिलीवरी पे करते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं, अगर आपका बिल बहुत बड़ा है तो हाई ऑब्वियसली आपका कमीशन ज़्यादा रहेगा, अगर बिल कम है तो मिनिमम $1 मिलेगा। तो अगर आप वो एक महीना में 12 घंटा तक आप मेहनत करते हो, एक महीने में 12 घंटा आप पर डे मेहनत करते हो, तो हर महीना आप 800 से $800 से $1200 कमा सकते हो। तो आपके लिए, उसके लिए आपको चाहिए बाइक लाइसेंस चाहिए और आपको इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा आना चाहिए, इंग्लिश आप बात कर सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो, और आपके पास वैलिड इंडिया का बाइक लाइसेंस, टू व्हीलर लाइसेंस चाहिए। तो ये जो जॉब है ये फ्रीलांसिंग जॉब है, ये जो जॉब है ये फिक्स सैलरी नहीं है, इसमें कोई सैलरी नहीं देता है, इवन इन इंडिया में जैसा वहाँ पर फिक्स सैलरी नहीं है, कमीशन बेसिस है, आप जितना काम करोगे उतना सैलरी आपको, उतना आप पैसा कमा सकते हो, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कंपनी आपको बाइक देगा, पेट्रोल देगा, तो आप पूरा दिन आप मेहनत करके, और ट्रेनिंग देगा, GPS ट्रेनिंग देगा, कैसे आपको रेस्टोरेंट से कहाँ से फूड लेना है, कहाँ डिलीवरी करना है। आर्मेनिया का राजधानी यरेवन के अंदर ही आपको फूड डिलीवरी करना है। तो आर्मेनिया के ऊपर काफ़ी मैंने वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो आर्मेनिया में अगर जाकर आपको फूड डिलीवरी बॉयज का काम करना है तो आप जा सकते हो, लेकिन ये ध्यान दीजिए इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, और आपको इसमें क्या करना है, सैलरी नहीं है, तो आपको खाली कमीशन में काम करना है। तो कंपनी डील करता है, तो पहला आप जाओगे तो फर्स्ट मंथ फ्री आपको रहने को देगा, फ्री आपको खाना देगा, एक महीना में ट्रेनिंग देगा, खाना देगा, फ्री में रहने देगा, और एक महीना में आपको ट्रेनिंग देगा कैसे आपको डिलीवरी करना है। तो 15 दिन में आप सीख जाओगे, 15 डेज में सीखने के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड महीना में तो आपको रेंट देना पड़ेगा, शेयरिंग रूम में रेंट दे के खाना आपको खुद का खाना है, रेंट आपको खुद का देना है। तो अगर खुद का खाना रहना है कितना खर्चा आएगा, $200 तो खर्चा आएगा, $200 आपको खर्चा आएगा, बाकी आपको डॉलर, तो अगर 12 घंटा मेहनत करते हो, आपका खाना पीना और आपका रेंट देकर आप $800 से $900 $1000 तो कमा सकते हो अगर मेहनत करोगे तो, और इसका फिक्स सैलरी नहीं है। और ये जॉब है और दूसरा जॉब है, और इसमें आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, फ्री वीज़ा नहीं है, और आपको और है इंडिया, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफेज बहुत सारे खुल चुका है, तो वहाँ पर कैफे में, इंडियन रेस्टोरेंट और अलग अलग रेस्टोरेंट में किचन हेल्पर्स चाहिए, और आपका वेटर्स चाहिए, वेटरेस चाहिए, और कुक्स चाहिए। तो इसके लिए वहाँ पर क्या होता है, इंडियन को वीज़ा जल्दी नहीं मिलता, वर्क परमिट नहीं मिलता, इसलिए ये पेमेंट करना पड़ता है अपफ्रंट, वहाँ का जो इमिग्रेशन में अगर कोई है या हमारा जो काउंटर पार्ट है वहाँ पर, वो पेमेंट आगे पेमेंट करके आपके लिए वीज़ा वो लोग अरेंज करना पड़ता है, इसके लिए वो कुछ पेमेंट लेते हैं वो लोग।
तो अगर यूरोप में काम करना है, यानी आपको आर्मेनिया में होटल इंडस्ट्री में काम करना है, लीगली काम करना है एज ए कुक, वेटर, किचन हेल्पर, वेटर्स, वेट्रेस, और ट्रैवल एजेंसी में भी काम करना है एज ए ट्रैवल कंसल्टेंट, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारा क्लाइंट के पास काम है और वो पेमेंट जो भी कितना पैसा लेंगे वो हम आप बता देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप पे मैं आपको बता दूंगा वो लोग कितना पेमेंट चार्ज करते हैं। तो जो भी पेमेंट चार्ज करते हैं उनको डायरेक्ट आपको पे करना है, हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको आर्मेनिया का वर्क परमिट इंडिया में वीज़ा अरेंज नहीं होता तो इसलिए आपको ई वीज़ा में ट्रैवल करना है, ई वीज़ा में आर्मेनिया जाना है। ई वीज़ा वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो भी पेमेंट है उनको करना है, या डायरेक्ट एम्प्लॉयर को पेमेंट जो इंडियन कंपनीज है डायरेक्ट उनका बैंक अकाउंट में पेमेंट करना है, पेमेंट करके आपको आर्मेनिया ट्रैवल करना है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो आपके लिए वीज़ा वगैरह अरेंज करेंगे, फिर आप वहाँ काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आर्मेनिया में आपको काम करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।